यूबॉन CL20FB, ये आपको पता ही होगा, एक नेक बैंड है जो कि फेमस है और काफ़ी ज़्यादा अभी भी चल रही है। तो आज मैं इसका फुल कंपैरिजन रिव्यू करने वाला हूँ एरोमा NB119 बादशाह का। आपको पता है कि एरोमा का जो एयरफोन है वो काफ़ी ज़्यादा बिका हुआ है, बहुत ज़्यादा इसकी रिव्यू है, बहुत फेमस है, लेकिन मुझे लगता है थोड़ा ये एग्जैजरेट थोड़ा ज़्यादा हुआ है, बिकॉज इस प्राइस रेंज में ऐसा नहीं है कि आपको उसके अलावा कोई प्रोडक्ट आपको मिल नहीं रहा। चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन को अभी के अभी आप प्रेस करके रखो और इस वीडियो को पूरा देखो, क्योंकि कंपैरिजन वीडियो है, आपको पूरा एक्सपीरियंस आपको पता चल रहा है। कोई पूरे यूट्यूब में आप मेरे को खोज के दिखाना कि ऐसा आपको वीडियो आपको मिलेगा ही नहीं, तो इस वजह से आपको क्या कि एक ही वीडियो में आपको पूरा जानकारी मिल जाता है और फिर आपको खुद आपको डिसाइड आप कर सकते हो। तो मैंने यही सोच लिया कि एरोमा का एयरफोन के साथ मैं सबके साथ रिव्यू करूँगा, तो हर एक को मैं रिव्यू करूँगा जिससे एक भी प्रोडक्ट नहीं छूट जाएगा और आपको पता चल जाएगा कि हाँ भाई कि भाई चलो देखते हैं कि भाई प्रोडक्ट का कैसा क्या है, वो आपको सभी चीज़ आपको पता चल जाएगा। तो मैं सभी को आटे में लेने वाला हूँ, एक को भी नहीं छोड़ूंगा। अब प्राइस की बात आप करोगे, आप बोलोगे कि भाई नहीं यार प्राइस तो दोनों की अलग है, प्राइस मतलब मैं जो भी प्रोडक्ट, क्योंकि आपको समझ रहे कि इसका हमेशा प्राइस है ना इसका फिक्स नहीं रहता। आज एरोमा का बादशाह अगर आपने 300 में देखा तो कल आपको 500 में दिखेगा, फिर कब के 600 में भी दिखेगा, 600 में भी ये मिल रहा है। तो ये यूबॉन का भी ऐसे ही, कभी कभार ज़्यादा हो जाता है कभी कम हो जाता है, तो यहाँ पर फिक्स प्राइस नहीं है। तो लेकिन अगर आपको कोई सेम प्राइस अगर आपको मिलता है ना, तो मैं उसके हिसाब से आपको बताना चाहता हूँ कि कभी कभार ऐसा भी हो जाएगा कि दोनों की प्राइस लगभग आसपास में होगा। तो चलिए यहाँ पर इसकी बात करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले एरोमा का आपको पता है साउंड क्वालिटी में, मैं आपको पहली क्लियर कट कर देता हूँ क्योंकि थोड़ा टाइम मैंने ले लिया यहाँ पर बोलने का, साउंड क्वालिटी में, कॉल क्वालिटी में जो है, मैं ज़्यादा टाइम नहीं गलाऊंगा आपका यहाँ पर, और बैटरी बैकअप में, तीनों में ही एरोमा बादशाह बाजी मार जाता है, तीनों में ही। तो अगर आप इन दोनों में से कोई भी एक प्रोडक्ट अगर आप लेना चाहते हो तो मैं बोलूँगा कि जो बादशाह है वो एक बेहतर ऑप्शन होने वाला है, बिकॉज यहाँ पर जो यूबॉन में आप देखोगे तो 10 आवर का आपको सिर्फ बैटरी मिलेगा, जबकि वहाँ पर आपको मिल रहा है 40 आवर का, दो दिन का बैटरी बैकअप मिलेगा। तो कॉल क्वालिटी, साउंड क्वालिटी वाइज मैं आपको एक ही दम में बता दिया हूँ कि भाई अगर आपको कोई भी चीज़ अगर आपको लेना, मैं ज़्यादा घुमाऊँगा नहीं यहाँ पर, आपको एक ही छोटे ही थोड़े ही देर में आपको पता चल जाए और फिर आप डिसाइड कर पाए। लेकिन आपको पता चल चुका है कि भाई एरोमा का बादशाह ही लेना चाहिए इसके जगह पे। लेकिन अगर आप सोच रहे हो कि यार इससे भी कोई बढ़िया प्रोडक्ट है क्या 400 के अंदर, तो मैंने वीडियो ऑलरेडी बहुत सारे बना के रखे। अब आप मुझे कोई एक सजेस्ट करो तो भाई मैं आपको एक सजेस्ट नहीं कर सकता, क्योंकि वो आपके ऊपर है। अभी कोई ऐसा मैंने प्रोडक्ट बनाया जिसके साउंड क्वालिटी बहुत ज़बरदस्त है, कोई ऐसा है जिसकी बैटरी, तो आपकी प्रायोरिटी क्या है वो मुझे नहीं पता ना। मेरी प्रायोरिटी क्या है, मेरे को साउंड क्वालिटी उतना मेरे लिए मैटर नहीं करता, क्योंकि मेरे को कॉलिंग के लिए चाहिए तो मेरे को बैटरी लंबा चाहिए होता है। तो आप तो हर किसी का तो ये सेम प्रायोरिटी नहीं होगा, तो मैं उस हिसाब से आपको रेकमेंड नहीं कर सकता। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन पूछना कि मुझे साउंड क्वालिटी चाहिए, बिकॉज अभी मेरे को वो प्रोडक्ट का याद भी नहीं होगा, क्योंकि मैंने करीब 200 के ऊपर मैंने वीडियो बना चुका हूँ, तो मुझे अब वो याद भी नहीं रहेगा। मुझे वो बुक में मुझे देखना पड़ेगा, जो मैंने रिमार्क करके रखा है उस बुक में मुझे सबको देखना पड़ेगा कि कौन सा साउंड का किसका क्या सबसे अच्छा है, कितना अच्छा है, वो देखना पड़ेगा। तो मैं आपको सबसे पहले ये बोलूँगा कि आप मेरे वीडियो को देखो, रिव्यू मैंने फुल रिव्यू किया, वहाँ पर मैंने पूरा का पूरा मैंने बता दिया है, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना।